सो गाइस गाइस फाइनली मैं आप सभी लोगों के लेके आ चुका हूँ न्यू कैमरे लेके, जहाँ पे आप सबको मिलने वाला है 200 रुपीज़ का पेटीएम कैश इंस्टेंट कैश आपके पेटीएम वॉलेट में। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि कैमरे एक डीमैट अकाउंट होने वाली है। इसमें ना आपको अपना पैन कार्ड यूज़ करना है, ना अपना आधार कार्ड यूज़ करना है, ना कुछ करना है। तो वीडियो के अंदर आपको पूरे बने देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पेटीएम नंबर आपको दे देना है, यहाँ पे लिखा एंटर योर पेटीएम नंबर जिसमें आपको 200 रुपीज़ है, ठीक है ना। डालने का आप सबमिट का बटन दिखा, इस पर सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करोगे आप प्ले स्टोर पे आ जाओगे, प्ले स्टोर पे आपको एक डिनोर एप्लीकेशन दिखेगा, इसको आपको अपने फोन में इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने को बताएगा। तब तो जो भी मोबाइल नंबर है आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करते हैं आपके वो ओटीपी आ जाएगा उस मोबाइल नंबर पे, तो अपना ओटीपी आपको सबमिट कर देना है। तो ओटीपी डालोगे यहाँ पे कोड डालने को बताएगा आपको, जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको एक कोड दिया जाएगा जो कैंपी लूट के अंदर ही कोड है, फर्स्ट स्टेप है। आपको वो कोड को यहाँ पे नोटबुक लिख देना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, आपको डाल के अप्लाई पे बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे कर दोगे आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने को बताएगा, तो अपना पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करके आपको पैन कार्ड का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक और लिंक मिल जाएगा पैन कार्ड का पीडीएफ का, जिसमें वहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने का आपको इस डॉक्यूमेंट को इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में, और यहाँ पे आपको पैन कार्ड का फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिल जाएगा, उसी के बाद में आपको ना पैन कार्ड नंबर भी दिया जाएगा। जैसे पैन कार्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालोगे यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालने को बताएगा। तो वो जिसका आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाला है उसी का ना आपको ना पैन कार्ड का ना नंबर डाल देना उसी के बाजू वाला, ठीक है। डालने का आपको बेसिक कुछ ना मतलब डिटेल मांगा, जैसे कि आपका बर्थडेट, तो आपको क्या करना 18 साल के ऊपर का आपको बर्थडे दे देना है, ठीक है। 18 साल के ऊपर का बर्थडे डालने का आपको वहाँ पे एक जीमेल डाल देना है। जीमेल डालने का उसके नीचे आपको एक जिला अपना जेंडर पूछेगा, तो अपना जेंडर आपको डाल देना है। डालने के बाद उसके नीचे आपको ना एक आपका एरिया का पिन कोड मांगेगा। आपको अगर आपको अपना एरिया का पिन कोड नहीं पता तो आप गूगल पर सर्च करके ढूंढ सकते हो। सबमिट कर देना, सबमिट कर देना आपको ना आपको पेटीएम नोटिफिकेशन आएगा, 200 रुपीज़ ना रिसीव होगा कहाँ से, कैंपलोड की तरफ से।